अभी आपने एक वीडियो वायरल देखा होगा, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने भी उसको वायरल किया है। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता जब ज्ञापन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ घंटाघर में इकट्ठे हुए तो महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उन्होंने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी को भद्दी भद्दी गालियाँ दी हैं, उसको लेके आज हमने एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम दिया है और वीडियो की सीडी उनको उपलब्ध कराई है कि इसके आधार पर कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ अश्लील अभद्रता का जो उपयोग किया गया है उसके खिलाफ उनके खिलाफ FIR की जा रही है। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया। आपके द्वारा भी इस तरह की बात कही गई थी, कोई असभ्य बात जो है उसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम लोग एक जन आंदोलन कर रहे हैं। उस जन आंदोलन में माननीय मलैया जी के साथ हम सारे लोग जब शांतिपूर्वक तरीके से भाषण दे रहे थे, किसी प्रकार का कोई आक्रामक रुख हमारी तरफ से नहीं था, बगैर किसी चेतावनी के जो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया माननीय मलैया जी की साइड में लगा, उनका अभी दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है, हो सकता था उनकी कनपट्टी पे लगता कोई घटना घटती वो रैली पे खड़े थे, उस बात को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोशित था। और मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो क्रिया की प्रतिक्रिया, भीड़ में से जब किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द कहे, उसके बदले में मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसको जवाब दिया और मेरा कोई इंटेंशन